की माँ भी आ गई जी ना, आप देखें जी, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, क्या चीज़ है ये दिखाते हैं आपको, कितना VIP तोहफा ये, ऐसा तोहफा के आप देख के हैरान रह जाएंगे। खालिस साफ शफाफ ये तोहफा जो लेके आई है, गिफ्ट लेके आई है, ये ज़बरदस्त क्या चीज़ VIP, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ जी, बला नहीं है ये, लसूड़ा है मेरे भाई, ये लसूड़ा है जी, लसूड़ा कैसा तोड़ने का मंजर आपको नहीं दिखा सका मैं, दरअसल क्योंकि यहाँ मिस्त्रियों के साथ काम के लिए मसरूफ था, ये ईंटों की तराई की, ठीक है जी। मेरा वक़्र वो आ गया, आमना है और मिस्त्री उस तरह काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानियत फरमाए, और जो जो आपकी तमन्ना आरज़ू जरा इतने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब पूरी कर दे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, और जो औलाद से महरूम है अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए, और जो रिश्तों से महरूम है अल्लाह उन्हें नेक साले रिश्ते अता फरमाए, और आपकी तमाम तमन्ना आरज़ू हर आयतें पूरी कर दे। दुआ करो, सलाम करो, दुआ 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 दुआ, आमीन 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 या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसे लोगों के अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल करता है, और ये बड़ी खुशनसीब है, दुनिया तो जैसे कैसे गुजर ही जाएगी, आखिरत तो जन्नत तक की कोई हिसाब किताब नहीं, सीधा जन्नत है, और जन्नती लोग हैं। देखें जी, ये काम यहाँ पे हो रहा है, और इसके अलावा इस तरह मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ मैन, वो ये देखिए, जब से यहाँ पर आए हैं हम इन दरख्तों को पौधे देने लगे, कितने खुशहाल हो गए माशाल्लाह। और ये बेरी तकरीबन 1.5 फुट कद कर रही ऊपर, और इनका भी तकरीबन इतना इतना कद होगा, जैसे ज़्यादा हो जाए हो चुका होगा। और ये जबकि ये जो नेम आप देख रहे हैं, अपने आप खड़ी नहीं हो सकती थी, लटक जाती थी, एक साइड पर गिर जाते थे, लूलापन कभी इधर कभी उधर, यानी किसी न किसी तरफ गिर जाते थे। अभी अपनी ताकत पर खड़ी है माशाल्लाह, और इनको पानी लग रहा है, अभी भी मैं इसको पानी के साथ भर रहा हूँ, खुला पानी दे रहे हैं, ये देख लें अपनी मर्ज़ी के साथ मोटर चल रही है, क्योंकि बिजली का कौन सा हमने बिल देना है, यहाँ बिजली तो है नहीं, सोलर प्लेट पे चल रहा है। और ये जो यकीन जाने के इन पौधों को जिस तरह पानी लग रहा है, तो अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम अदा करेगा UK वाली बाजी को, जिन्होंने हमें सोलर का इंतज़ाम करके दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और UK वाली बाजी की तमाम मुश्किल अल्लाह ताला दूर करे, आसानी का फरमाए। और ये देखिए पौधों को भी पानी लग रहा है यहाँ पर खुशहाल, ये पौधों इनको भी मैं लगाऊँगा, इस तरफ इससे भी लगाऊँगा। और अहम बात, इसको ये देखें लसूड़े लगे हुए हैं माशाल्लाह, ये देखें, ये अचार डालने के लिए, और आज हम दिखाएंगे बेगम मेरी तोड़ने के लिए गई हुई है, एक और दरख्त है यहाँ से थोड़े से फासले पे है, उधर उधर से तोड़ने के लिए गई है, और अचार बनाएंगे इनका, लेकिन इसको भी लगे हुए हैं, ठीक है जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इससे भी पानी हम डालेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। इन ईंटों की मैंने तराई की है, ठीक है जी, ये पैर पड़ा हुआ है, और इस तरफ वो मिस्त्री काम कर रहे हैं, और देखें कि यहाँ से मज़दूर और साथ मिस्त्री, दरअसल ये साथ वाली हवेली का ना काम हो रहा है, इधर उधर आए थे इन्होंने, दो दिहाड़ियाँ लगाई हैं, तीन मेरे ख्याल, दो या तीन, तो ये सामने जो सामान देख रहे हैं आप, ये भी उन्हीं का है, वो ले जाएंगे इसको उन्हीं का है। तो फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार आज जो है ना हमें आप टाइम दे दें, दरअसल इनका सुबह, मैंने कहा नहीं सुबह मैंने जाना है एक कोलखानी पर, मेरे एक सामने जो गेट के सामने जिनकी ज़मीन है, जो सब्ज़ा आपको नज़र आ रहा है, इस बंदे के वालिद साहब वफात पा गए, तो यहाँ तो नहीं होते, वो होते दूसरी जगह, यानी कि यहाँ से हमसे तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर दूर है, और ये मिसाला लेके आ रहा है, मिसाले की यहाँ जगह बनाने की नहीं थी, इधर साइड पर कम थी जगह, दरअसल इन्होंने अपना उन्हीं का ही बनाया हुआ था, एक बोरी का बनाया था, तो मैंने कहा यार ये बोरी का आप हमें दे दें, ये यहाँ डाल रहे हैं, और इधर से फिर उठा के आगे इधर लगाया जा रहा है, यानी कि यहाँ स्टोर किया जा रहा है, ये देखिए आपके सामने आके ये कल्टी कर दी, ये स्टोर हो गया, और ये यहाँ काम हो रहा है, उधर से मुकम्मल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ असल में ये पहले बना चुके थे, और फिर मैंने रिक्वेस्ट करके इनको यहाँ ले आया हूँ, ताकि हम आपको इसका हिसाब दे देंगे, यानी कि सीमेंट की सीमेंट दे देंगे, रेत तो खैर नहीं, सीमेंट दे देंगे, रेत का उनका जितनी मर्जी इस्तेमाल होती कर ले, हम यहाँ पर जो बना रहे हैं हम आपको वो भी दिखाएँगे इंशाल्लाह मुकम्मल। अब ये आपके सामने काम कर रहे हैं, यहाँ मेरे देख ले बच्चे कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, बच्चे मेरे स्कूल पढ़ते हैं, और वो स्कूल गए हुए हैं, बेगम जाना कहीं और काम थोड़े से काम के लिए गई हुई, वह अभी आ जाएगी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। देखें ये काम कर रहे हैं अभी तक माशाल्लाह, लेकिन इतनी आज मौसम गर्म ही नहीं, मौसम तो कुछ ठंडा है, लेकिन फिर भी गर्मी है, और आमना आ गई है, और वह कह रहे आ जाओ
अच्छा इनकी माँ भी आ गई जी ना, आप देखें जी, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, क्या चीज़ है ये दिखाते हैं आपको, कितना VIP तोहफा ये, ऐसा तोहफा के आप देख के हैरान रह जाएंगे। खालिस साफ शफाफ ये तोहफा जो लेके आई है, गिफ्ट लेके आई है, ये ज़बरदस्त क्या चीज़ VIP, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ जी बला नहीं है ये, लसूड़ा है मेरे भाई, ये लसूड़ा है जी, लसूड़ा कैसा तोड़ने का मंजर आपको नहीं दिखा सका मैं दरअसल, क्योंकि यहाँ मिस्त्रियों के साथ काम के लिए मसरूफ था, ये ईंटों की तराई की, ठीक है जी। मेरा बकर वो आ गया, आमना है और मिस्त्री उस तरफ काम कर रहे हैं। बेगम जो है ना उस पौधे को पानी डालने के लिए चली गई, वहाँ उसके पैंप छोड़ के आ गई, वो बरता रहेगा। और ये रहा खालिस देसी लसूड़ा, खालिस लसूड़ा है, इससे अचार बनाएंगे, खालिस VIP माशाल्लाह। साफ करके लेके आइए बेगम, बड़ी मेहनत करके आई है, मेरी हाथ तो मेरे ख़राब हो गए जब कुछ लेकिन ज़बरदस्त बन गया माशाल्लाह, मशरिए से तोड़ा है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखें चावल बना के हमने इनको खिलाने थे, चावल हैं कम, बंदे को भेजा मैंने कि जाकर ले आओ, क्योंकि दरअसल मैं तो टांगे उतार के बैठा हूँ आपके सामने, ये देखें आर्टिफिशियल टांगे उतार के बैठा हूँ, ठीक है जी। और ये चावल हैं थोड़े हैं, ये इसको डाल रही है इधर और ले आएंगे, बीच में डाल के फिर हम बिरयानी बना के इंशाल्लाह इन्हें खिलाएंगे। खुश हो, खुश हो, मैंने कहा जी खुश हो, ये कहती कि दो कोले और चावल चाहिए, दो कोले और चावल के चाहिए जी, चले जी इंशाल्लाह मंगाते हैं। देखें जी बेगम जो है ना टमाटर और दीगर मसाले वगैरह का इंतज़ाम कर रही है, थूम धनिया, धनिया तो नहीं है यानी प्याज, देखें जी बिल्कुल छोटे छोटे प्याज हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, आपको पता नहीं कैमरे में कैसे नज़र आ रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, ये देखें बिल्कुल छोटा सा प्याज है, छोटा सा, बड़े प्याज नहीं है, बड़े प्याज नहीं है। और ये ट्राली जो है ईंटों के लिए, इस तरफ मिस्त्री काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये उनकी खाने की तैयारी हो रही है, और ये खाने का इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे हम, इनको जो खिलाएंगे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने खिलाना है, हमने क्या खिलाना, अल्लाह का माल अल्लाह के बंदों के हवाले, अल्लाह का माल अल्लाह के बंदों के हवाले जी। वो देखें जी वो खुलरी जो पड़ी हुई ना, ये बंदर ये पुरानी है, यहाँ पर पड़ी है लकड़ी की, ठीक है जी, खाली यानी कि इस्तेमाल के काबिल नहीं अभी, और बकरियाँ वगैरह होती तो हम इसको इस्तेमाल करते, लेकिन हमारे पास तो जानवर ही नहीं है, बकरी नहीं है, होती तो ज़रूर हम इसे इस्तेमाल करते, लेकिन ये उसमें वो पड़ा हुआ लसूड़ा, मुर्गियाँ जाके उसको ठुंगे लगा रही हैं चुंजे, तो ये देखें वो अभी लगाने लगी है, फिर पीछे हट जाती, भाई उसकी खाने की चीज़ तो है ही नहीं। ये देखें जी इधर बेगम काम कर रही है, फातिमा आमना आमना आई हुई है, और बकर ने कहा जी मुझे फाल से लेकर दो, ये फाल से खा रहा है जी, ये देखें ये फाल से खा रहा है बकर, हमारा बकर जी, ऊपर देखो, नहीं देख रहा जी, चले जी बच्चे भी। आप हमारी वीडियो देख रहे थे, यकीन जाने धूप इतनी है कि खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बाकी दुआ में याद रखना है, बाय बाय करो, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।